सभी भाई बहनों को मैं अपने YouTube चैनल जीपीवी स्टडी पॉइंट पर फिर से एक बार वेलकम करता हूं। तो आज हम बात करने वाले हैं कि भानी देवी गोयल इंटर कॉलेज विद्या मंदिर झांसी आप कैसे पहुंचेंगे और कहां कहां से जा सकते हैं। तो आज मैं आपको इस वीडियो में दो तीन रास्ते बताऊंगा, आप भानी देवी गोयल सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज झांसी कैसे पहुंचेंगे। एक तो आप बस टॉप से पहुंच सकते हैं और दूसरा आप रेलवे स्टेशन से पहुंच सकते हैं और आप निजी साधन द्वारा कैसे पहुंच सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और हमारे चैनल पर नए तो हमारे यूट्यूब चैनल जीपीवी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी वीडियो देखने के लिए हर सेंटर वाइज सेंटर इस पर वीडियो मिलती रहेंगी आपको हमारे चैनल पर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, अगर आप रेलवे स्टेशन झांसी से भानी देवी गोयल सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज झांसी जाना चाहते हैं तो कैसे जाएंगे। अगर आप झांसी रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाते हैं तो झांसी रेलवे स्टेशन के पीछे से आपको साधन मिल जाएगा भानी देवी गोयल सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज के लिए। वहां से झांसी रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर है, आप पैदल भी जा सकते हैं और आप ऑटो से या तो आप मतलब रैपिडो भी यूज कर सकते हैं, ऑनलाइन बुकिंग भी कर सकते हैं। ऑनलाइन बुकिंग भी सुविधा वहां पर आपको उपलब्ध मिल जाएगी तो वो भी कर सकते हैं। और मैं आपको सलाह ये दूंगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑटो का यूज के लिए या तो आप रैपिडो का भी यूज कर सकते हैं, वहां से भी आपको पहुंचा देंगे। वही आपको 10-15 मिनट का टाइम लगेगा, अगर ट्रैफिक रहता है तो 15 मिनट लग जाएगा, ट्रैफिक नहीं रहता तो आपको 10 मिनट लग जाएगा। तो अब हम बात करने वाले हैं कि अगर आप बस स्टैंड से जाना चाहते हैं भानी देवी गोयल सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज झांसी तो आप कैसे पहुंचेंगे। तो उसके लिए आप जाएंगे झांसी बस स्टैंड पर और झांसी बस स्टैंड से 1.5 किलोमीटर दूर है भानी देवी गोयल सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज, तो आप वहां से भी जा सकते हैं। वहां से आपको 10 रुपए या 15 रुपए लगेगा, वहां से भी आप जल्दी पहुंच सकते हैं। और अगर आप साधन से जाना चाहते हैं या तो कोई गाड़ी रिजर्व करना चाहते हैं तो मैं आपको एक गाड़ी, अगर आप बांदा से या तो अपने महोबा तरफ से हैं तो मैं आपको एक गाड़ी बताऊंगा। तो बांदा से बस जा रही है, आपने जीतू यादव बांदा यूट्यूबर का नाम सुना ही होगा, तो उनके द्वारा एक बस की व्यवस्था की गई स्टूडेंटों के लिए। तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका कॉन्टेक्ट नंबर डाल दूंगा तो आप उनसे संपर्क भी कर सकते हैं अगर बस बुकिंग नहीं हुई होगी तो। जल्दी जल्दी अगर आप जाना चाहते हैं और बस बुकिंग करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा, नहीं तो अगर बस बुकिंग हो जाएगी तो फिर उसमें आपको जगह नहीं मिल पाएगी। और अगर आप नहीं करना चाहते तो मैं आपको सबसे अच्छा उपाय यही बताऊंगा, सुझाव दूंगा कि आप रेलवे स्टेशन से जाइए, किराया भी आपका सस्ता लगेगा और आप जल्दी पहुंच जाएंगे। और अगर कोई भी डाउट हो तो मैं अपने YouTube चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने WhatsApp ग्रुप का लिंक डाल दूंगा, तो वहां से आप एडमिन को मैसेज करके कोई भी जानकारी ले सकते हैं। तो वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पर अगले आपके एग्जाम सेंटर पर। तो अगर अभी तक हमारे YouTube चैनल जीपीवी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि वो भी अपने एग्जाम सेंटर समय से पहुंच सकें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।